वीकेंड पर आए ढेर सारे रिजल्ट्स और इन ढेर सारे रिजल्ट्स में बड़ा एक्शन रहा, लेकिन हम आपको फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ वो रिजल्ट्स पर जो कोई नहीं देखता, क्योंकि वहां पर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बाकी रिजल्ट्स में आराम से रिपोर्ट्स मिल जाती है, व्यू मिल जाते हैं, समझ में आ जाता है, लेकिन मेहनत कौन करे? छोटी छोटी कंपनियों की मुश्किल बैलेंस शीट पढ़ने का काम कौन करे? वो काम करते हैं वीकेंड पर भी वरिंदर बंसल। वरिंदर, सबसे पहले शुरुआत है, देखो हमारा तो सिस्टम के बहुत क्लियर है, हम पॉजिटिव चीजों से शुरुआत करते हैं, ठीक है? बताइए अच्छे रिजल्ट कौन से आए हैं? सर, मेरे लिए एक स्टैंड आउट नंबर अगेन डिस्क्लोजर की पीएमएस में कंपनी का इन्वेस्टमेंट है बहुत टाइम से, वो ग्रैन्यूल्स था। यू नो क्लियरली ग्रैन्यूल्स, आई नो कि अभी मार्केट आज में आ गया था, स्टॉक ऊपर था, बट उसका जो कमेंट्री आया था, कॉन कॉल हुआ था जब यू नो मार्केट क्लोज हुआ था, इट वॉज ग्रेट। आप सोचिए सर कि उसने बोला कि मैं 23% मार्जिन कंसिस्टेंट रखूंगा, FY21 में 30% ग्रोथ होगा, FY22 में 25% ग्रोथ होगा, 20 रुपए ईपीएस इस कंपनी का कहीं नहीं गया। केमिकल कंपनीज 25-30-40 टाइम पे ट्रेड कर रही हैं, इवन आप इसको 20 टाइम भी देते हो, सो यू नो गॉड नो 350-400 इज नॉट अ यू नो प्राइस विच शुड नॉट बी अटेन्ड बाय दिस कंपनी। सो कमेंट्री वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। स्टैंड आउट परफॉर्मेंस फॉर मी वाज ग्रैन्यूल्स डिस्क्लोजर के साथ। कंपनीज जिनके सर नंबर अच्छे दिख रहे हैं और मैं देख रहा हूँ ट्विटर पे बहुत लोग यू नो बढ़ा 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 के बोल रहे हैं, सो एक चीज मैं बोलूंगा सर कि आप प्लीज सेल्स पे फोकस कीजिए, आप कॉस्ट पे फोकस मत कीजिए। सेल्स ऊपर है तो नंबर अच्छे हैं, कॉस्ट कट जो है वो सस्टेनेबल नहीं होता किसी भी कंपनी के लिए। सो जैसे कि हैथवे केबल्स है सर, हैथवे केबल्स का सेल्स नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट बहुत अच्छे लगेंगे आपको, बट अगर आप थोड़ा इंटरनल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नंबर्स अच्छे क्यों आए। सेल्स 7% नीचे थी सर, एबिटा 27% ऊपर था, मार्जिन 20% से 28% चले गए हैं और कंपनी ने कुछ 66 करोड़ का प्रॉफिट दिया है वर्सेस अ लॉस, और नंबर बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बट सर सेल्स नीचे है। और अगर आप इंटरनल्स देखो, दैट इज ओनली सपोर्टेड बिकॉज उसका फाइनेंस कॉस्ट कुछ 80 करोड़ से 33 करोड़ आ गया है, अदर एक्सपेंसेस कुछ 126 करोड़ के थे, 67 करोड़ आ गए हैं। सो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ कॉस्ट कटिंग के नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, अदरवाइज सेल्स नहीं बढ़ी है। और सर आप सोचिए, ये कंपनी है जो 70 टाइम्स पे ट्रेड कर रही है, मैंने ट्वीट भी किया था एक, आप सोचिए सर इस कंपनी का मार्केट कैप कुछ 7,700 करोड़ है और उसका प्रॉफिट 180 करोड़ है टीटीएम पे। लास्ट 7 साल कंपनी ने लॉस किया है, 7,700 करोड़ का मार्केट कैप 180 करोड़ पे और आपको ग्रैन्यूल्स मिल रहा है सर 6,700 करोड़ पे और उसका जो प्रॉफिट उस कंपनी से डबल था और जहां पे 25-30% प्रॉफिट गाइडेंस भी है मैनेजमेंट की। सो यू नो वैल्यूएशंस आर वेरी वेरी हाई फॉर दिस कंपनी। आई नो इट्स अ रिलायंस ग्रुप कंपनी एंड ऑल, बट फिर भी IIFL सिक्योरिटीज अगेन सर, आई विल से इट्स अ वीक नंबर। आई नो कि यहां भी अगेन एवरीवन इज सेइंग कि नंबर्स बहुत अच्छे हैं। रीजन इज अगेन कि अगर आप सेल्स देखो, सेल्स 9% नीचे गई है वाई ऑन वाई, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सेल्स 24% नीचे गई है अगेंस्ट जो मार्जिन बूस्ट हुआ है और प्रॉफिट बढ़ा है वो क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट नीचे और एम्प्लॉय कॉस्ट नीचे है। कैपिटल मार्केट्स अगर मैं पूरे का पूरा सेगमेंट देखूं तो उसमें बहुत ज्यादा तोड़फोड़ कुछ हुआ नहीं है, उसमें सिर्फ 1% का ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 2% का ग्रोथ है वाई ऑन वाई। उसके अंदर अगर देखें तो रिटेल ब्रोकिंग ने ऑफकोर्स अच्छा किया है, नेट यू नो क्लाइंट एडिशन एंड ऑल, सिर्फ रिटेल ब्रोकिंग ने अच्छा किया है, तो 160 करोड़ में 66 करोड़ ने अच्छा किया है, अदरवाइज एज अ होल नंबर्स बहुत तोड़फोड़ नहीं लग रहे हैं IIFL सिक्योरिटीज के। एंड प्लीज ऑल्सो ऑन बैक ऑफ अवर माइंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये स्टॉक बहुत भाग चुके हैं, सो कीप दैट इन माइंड। सो दीज आर यू नो नंबर्स स्टैंड आउट एंड नंबर्स स्ट्रॉन्ग ऑन द फेस ऑफ इट बट इंटरनल्स आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। और कमजोर नंबर्स में कौन कौन से हैं वरिंदर? लेकिन उससे पहले है ना, आप ये बताएं, उससे पहले आपने एक चीज की कि वो कॉस्ट कंट्रोल वाली चीजें परमानेंट नहीं होती, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि हमारी इंडस्ट्री में भी बहुत जगह कॉस्ट कंट्रोल हुई है, सैलरी कट्स हुए हैं, हम तो फॉर्चुनेट हैं और हमारी टीम बड़ी स्ट्रांग है, मजबूत है, बढ़िया काम कर रही है, हमारे यहाँ तो कहीं कोई सैलरी कट्स दूर दूर तक नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री में कई जगह हुए हैं, तो क्या वो उम्मीद रखें कि उनकी सैलरी वापस बढ़ जाएगी? सर आपके ऊपर है आपके ऊपर है, आप बॉस हो, आपको कितना पैसा सबका बढ़ाना है बढ़ाइए, बट मैं ये बोल रहा सर कि आप बोलोगे कि यार आपने 60 करोड़ का प्रॉफिट दिया, पर 60 करोड़ के प्रॉफिट में 50 करोड़ तो मैंने खर्चे कम करके दिए, सो खर्चे कम करके दिए इसका मतलब ये नहीं कि नंबर बहुत अच्छे आए हैं। तो सी अगर आपका सेल्स, आपका एग्जाम्पल ही लो सर, अगर 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 आपके पास एडवर्टीजमेंट और सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू ऊपर जा रहा है 10%, 20%, 30% नीचे जा रहा है, तो आप नीचे जो है P&L में कुछ भी कर सकते हो, राइट? बट अगर आपका सेल्स ही नहीं बढ़ रहा, आप एक क्वार्टर दो क्वार्टर कॉस्ट काटेंगे बट उसके बाद तो जब थिंग्स नॉर्मल होनी चालू हो जाएंगी फिर आप बोलोगे यार ठीक है यार अभी यू नो नॉर्मल पे थोड़ा आना चाहिए, कॉस्ट कटिंग ज्यादा नहीं करनी चाहिए, थिंग्स नॉर्मल हो रही है। तो किसी भी कंपनी में सेल्स ग्रोथ बहुत जरूरी है, दैट इज आई एम सेइंग अ लॉट अटेंशन हैज टू बी पेड टू दीज केमिकल API कंपनीज
जहां पे ग्रोथ अपने को 20-25% आ रहा है सर, 20-25% आ रहा है, सो दैट इज 25% मार्जिन आ रहा है सर, जो 10-10% मार्जिन था आज की डेट में 25% मार्जिन हो गया है. आई विल फोकस ऑन दैट स्पेस रेदर देन फोकसिंग ऑन फैशनेबल थिंग्स जो है. अभी ब्रोकरेज बहुत फैशनेबल बिजनेस हो गया है कि फैशनेबल है, बट यू नो ये हैथवे जैसे मेरे ख्याल में 10 रुपए का स्टॉक हो 40 रुपए हो गया, 8,000 करोड़ का मार्केट कैप, ऑनेस्टली आई एम वेरी स्मॉल टू अंडरस्टैंड कि इतना क्यों होना चाहिए. समझ लिया, ठीक बात है. तो ये है आपके लिए पूरी तरह से. चलिए अच्छा, खराब नंबर्स में और भी लिस्ट है आपकी, बताइए कौन कौन से नंबर्स वीक दिख रहे हैं आपको. सर खराब में ऑटो एंक हुआ, हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स हुए, या फिर कमोडिटी कंपनीज में. रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज एक कंपनी है जिसका सेल्स ऊपर था 10% पर क्वार्टर एंड क्वार्टर नीचे था. सो यू नो आप प्लीज वाई एन वाई कंपेयर मत कीजिए बिकॉज वो एब्रेशन है थोड़ा सा. सो अगर आप वाई एन वाई कोई भी देखेगा तो बोलेगा नंबर बहुत अच्छे आए हैं, बट वो एब्रेशन था बिकॉज उसका जो एबिटा था 20 करोड़ का रन रेट है उसका एबिटा का, इस बार उसका 10 करोड़ ही आया, वाई एन वाई उसका कुछ भी नहीं था. उसी तरीके से मार्जिन इस बार 9% दिख रहे हैं वर्सेस यू नो कुछ 8.5%, बट अगेन जैसे मैंने बोला उसका 20% का एक नॉर्मलाइज रन रेट है. सो वाई एन वाई कंपेयर नहीं करना चाहिए. सो मेरे ख्याल में वो वीक नंबर्स है. बैंको प्रोडक्ट्स, आई एफ जी एल रिफ्रैक्ट्रीज, अगेन नंबर्स बहुत खराब है. सिलान एक्सप्लोरेशन एक कंपनी है सर, अगेन नंबर अगर आप कंपनी को पढ़ेंगे तो आपको ETM बेसिस पे सिर्फ 4.5 times पे मिल रहा है, प्राइस टू बुक सिर्फ 0.5 times पे मिल रहा है, ROC 15 times पे मिल रहा है. बट द प्रॉब्लम विद दिस कंपनी इसके नंबर कभी आते नहीं है सर. एबिटा 42% डाउन है, मार्जिन 25% रह गए हैं 41% से. इज इज द वर्स्ट वी हैव सीन इन दिस कंपनी, आई डोंट नो, बट इशू हो रहा है इस कंपनी में. SNL बेयरिंग अगेन ऑटो एंसिलरी कंपनी जिसका सेल्स 10 करोड़ से 3 करोड़ रह गया है. GNA एक्सेल सर मैं फुस में डाल रहा हूँ इस बार, अगेन हाई क्वालिटी कंपनी बट नंबर्स आर वेरी बैड बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंट. व्हाई? बिकॉज सोचिए सेल्स 70% डाउन है, EBITDA 87% डाउन है और इस बार लॉस रिपोर्ट किया है. मतलब ये 200 करोड़ का रन रेट होता था सर इस कंपनी का सेल्स करने का, जो कम हो गया 80 करोड़ हो गया. अगेन आई एम स्ट्रेसिंग ऑन सेल्स फैक्टर, 13.5 times पे रह गया है. सो बहुत बहुत सस्ता नहीं है. ROC 20% है बट इश्यू इज की नंबर्स नहीं आ रहे इस कंपनी. ओके, बहुत ही घटिया टाइप के नंबर्स, फुस जिसको आप बोलते हो, उसमें कौन सी कंपनी है सर? जैसे मैंने बोला GNA एक्सेल्स होगा. GNA एक्सेल्स है एक कंपनी जो बहुत ही फुस नंबर्स है जिसमें, और एक छोटा कंपनी है अमल. मैं आई नो अपना बात हुआ था सर, आई एम ओनली स्ट्रेसिंग ऑन दिस कंपनी बिकॉज ये केमिकल कंपनी है और आजकल बहुत फैशनेबल हो चुका है कि कोई भी चीज जो केमिकल होती है वो बढ़नी चाहिए. अगर आप इसके नंबर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि प्लीज डोंट पेंट एवरीथिंग विद द सेम ब्रश. यू नो सेल्स 50% नीचे, EBITDA 65% नीचे, अभी भी 20 times पे ट्रेड कर रहा है सर इसका.